नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल ईयर के एग्जाम पैटर्न को लेकर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे करने वाला हूं। पेपर के बीच में जो आपको पता होगा कि एक दिन के अंदर दो पेपर होने वाले हैं, पूरी बातें करेंगे। जो आपकी यूनिट की बाध्यता है वो हटाई गई है, उसको लेकर भी आपकी कन्फ्यूजन है, उसके बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। और जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, तो पूरी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी आपको मैं कर दूंगा किस प्रकार हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके तक पहुंचाने वाले हैं, कैसे लाइव आएंगे या ऑफलाइन चीजें मिलेंगी, तो सारा चीजें आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, कल आपका टाइम टेबल आ गया था। अगर आपने अच्छे से उसे देखा है तो आपको पता होगा कि आपके दो पारियों के अंदर आपका पेपर होगा, यानी चाहे बीएससी फाइनल ईयर हो चाहे बीए फाइनल ईयर हो। अगर आपका पेपर शाम को पारी में है तो जो नेक्स्ट पेपर है वो आपको सुबह की पारी में भी है। देखिए यानी एक पेपर आपका मान लीजिए मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स के दो पेपर हैं, तो एक दिन के अंदर दो पेपर होंगे। और जो तीसरा पेपर बचा है एक दिन का गैप मिलेगा और उसके बाद आपका पेपर होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि छुट्टियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अगर एक दिन के अंदर दो पेपर होते हैं तो हार्डली एक या दो दिन की छुट्टी मिल सकती है, और ठीक वैसा ही हुआ, एक दिन का ही अवकाश आपको मिला है, अगर आप देख सकते हैं। और अवकाश जो आपका तीन घंटे का पेपर चलेगा, तीन से छह बजे तक आपका पेपर है, तो उसमें भी आपको छुट्टी नहीं दी गई है, तीन से साढ़े चार बजे तक। इस प्रकार आपकी जो पारी है डेढ़ घंटे की, और साढ़े चार से छह बजे तक जो तीन से छह बजे बीच में जो तीन घंटे हैं उनके बीच में भी आपको गैप नहीं दिया जाएगा। तुरंत आपका पहला पेपर खत्म होगा और उसके बाद तुरंत से आपको नेक्स्ट पेपर दे दिया जाएगा। तो ये तो बात हुई आपके एग्जाम में टाइम टेबल को लेकर, और आपको पता भी होगा पूरी जानकारी मैंने दे दी थी कि कब से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, पीजी को लेकर भी जानकारी दी थी, तो पूरी और डिटेल जानकारी दे दी। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के अभी फाइनल ईयर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं राजस्थान में, क्योंकि हम राजस्थान से संबंधित ही आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो किताब है, जो बुक है आपकी मैथमेटिक्स की, चाहे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो जो बुक है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट टॉपिक्स आप तक मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और लाइव आकर बोर्ड पर मैं अच्छी तरीके से लिखूंगा, और आप साथ साथ में भी वो आप लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा। लाइव ही आपको कल से ये स्टार्ट होने वाले हैं, लगभग सुबह के टाइम 10 बजे या उसके आर बार मैं लाइव आ जाऊंगा, और आपको लगभग एक एक बुक के, एक या दो बुक के या एक पेपर के, देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन बुक है, बुक जो जिनके बुक लगती है वो सेम है, लेकिन कहीं कहीं बुक अलग अलग लगती है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो बुक लगती है वो एमजीएसयू में नहीं लगती होगी, और लगती भी है कुछ कॉमन है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो आपको मैं जो जो बुक लगती है, मान लीजिए रिंग थ्योरी लगती है, कहीं एमजीएसयू में लगती है, तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये बुक कहाँ कहाँ लगती है, और फिर हम उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि अगर एक विश्वविद्यालय से संबंध में, राजस्थान से संबंधित, राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो बाकी बच्चे रह जाएंगे। तो मैंने पूरा जो मेहनत की है सभी के लिए, कॉमन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके सभी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं, और मैंने दो तीन राजस्थान विश्वविद्यालय की भी पढ़ी है, और यहां पर जो आपके एमजीएसयू भी करे, तो इन तीन चार यूनिवर्सिटीज का जो प्रश्नों का समूह है मैंने एकत्रित किया है, जो टॉपिक्स हैं जो इंपोर्टेंट है वो आप तक मैंने शेयर करने वाला हूं। तो ये तो हुआ हमारा जो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपका जो पेपर पैटर्न है, आपको अच्छे से स्क्रीन पर भी आपको मैं दिखा दूंगा कि जो खास खास बिंदु है वो देखिए। सबसे पहले यूजी फाइनल की परीक्षाएं 29 से शुरू होगी, आपको पता है 22 तारीख से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 2,00,000 छात्र पेपर देंगे, ठीक है। अब सुनिए आरयू की परीक्षा में क्या खास बिंदु रहने वाले हैं। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है कि सर जो यूनिट की बाध्यता हटाई गई है इसका अर्थ क्या होता है, और बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं तो यूनिट की बाध्यता हटा दी तो हम प्रश्न नहीं कर सकते। तो यूनिट की बाध्यता करता है दोस्तों, जो अथवा वाले क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं, अगर हटाते नहीं तो आप नहीं कर सकते, तो आप यूनिट की बाध्यता आपको माननी पड़ती, जो दो क्वेश्चन है उसमें से एक ही आपको करना, यानी इतने यूनिट आपको करने हैं, तो वो यूनिट की बाध्यता आपके लिए हट गई है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। और अनुपातिक रूप से 50% पेपर सॉल्व करना है, यानी अनुपातिक रूप से क्या अर्थ हुआ कि मान लीजिए आपने 50% पेपर सॉल्व कर दिया तो उसे ही 100% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 50% अनुपात में करना है और उसे ही 100%। मान लीजिए 50 नंबर का पेपर है, देखिए कहीं जगह 40 का होता है, कहीं जगह 60, कहीं जगह 33, इस प्रकार है, तो मान लीजिए 50 का पेपर है आपको 25 का ही करना है, और उस 25 को ही 50 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये खास बात है। और एक दो चीजें और देख लीजिए क्या क्या इंपोर्टेंट चीजें हैं इसमें।
जिस विषय में दो पेपर है वह दोनों एक ही दिन होंगे, इसको लेकर भी हम बात कर चुके हैं। पेपर तीन के बजाय डेढ़ घंटे का होगा, ये भी हम अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। तो ये कुछ आपके जो डाउट्स थे आपको मैंने दूर कर दिए हैं। कल से हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो आने वाली है, सभी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए आएगी, किसी स्पेशल के लिए नहीं है, एमजीएसयू के लिए स्पेशल नहीं है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने झट दिए किए हैं और वे क्वेश्चन आप तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लगभग बुक के अंदर 40-50 क्वेश्चन बनते हैं, वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपकी सारे डाउट दूर हुए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।